हौसले बुलंद हों तो मंजिलें आसान होती हैं, मिलती है कामयाबी इंसान की ख्वाहिशें तूफान होती हैं। कुछ ऐसा ही चरित्रार्थ किया देश के जाने माने एंकर जीतेश श्रीवास्तव ने, जो आज लखनऊ के जाने माने एंकर के तौर पर पहचाने जाते हैं। लोक संस्कृति शोध संस्थान की तरफ से लखनऊ के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार, अभिनेता, निर्देशक, शिक्षक समेत बहुमुखी प्रतिभा के धनी इंजीनियर लोक संस्कृति शोध संस्थान के संरक्षक तो हैं ही, साथ ही साथ संस्थान की ओर से चलने वाले दो सतत कार्यक्रम दादी नानी की कहानी, जीतेश की जुबानी और YouTube चैनल पर प्रसारित धारावाहिक वाह नवाब वाह के केंद्र बिंदु हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में मंचित नाटकों से अपने अभिनय की अमिट छाप छोड़ी है और फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा के साथ निर्देशन का काम भी किया। आपको बता दें कि IIT रुड़की में अध्ययन काल से ही सांस्कृतिक यात्रा का क्रम जो शुरू हुआ और वो अनवरत अभी तक जारी है और लोग उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसके साथ ही विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम डॉक्टर्स स्पीक DDUP पर, जिसमें कोरोना काल में लोग इनके सवालों का और डॉक्टर्स के दिए जवाबों से काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही लिटिल मिलेनियम स्कूल के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कारों पर भी इनका फोकस रहता है। अभी हाल ही में संपन्न हुए बुक फेयर में कई कार्यक्रमों का मंच संचालन करके लोगों की वाहवाही बटोरी, जिसकी काफ़ी लोगों ने सराहना की। दूरदर्शन के स्पेशल शो आंचल से परचम तक या होली के कार्यक्रम हो, तमाम ऐसे कार्यक्रम रहे जिसमें जीतेश की एंकरिंग के लोग मुरीद हैं। आज जहां आधुनिक समाज में दादी नानी की कहानियां और किस्से पूरी तरह से विलुप्त होते जा रहे हैं, दादी नानी की कहानियां केवल कुछ किस्से और बतासियां भर रह गई हैं, वही एक परंपरा है, एक ऐसी विरासत जो खेल खेल में ही बच्चों में अच्छे संस्कारों और आदर्शों को प्रोजेक्ट करती है। ऐसे में दादी नानी की कहानी जीतेश की जुबानी को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं।